अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलनार्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और इसको हम फ्रोज़न करके रखने वाले हैं। ये मेरे पास कीमा है और ये 750 ग्राम है, पौना किलो। और हमें चने की दाल लगेंगी, ये 200 ग्राम है। इसको हमने रात भर भिगा के रखे, ये एक कप है मेजरिंग कप से। ये भीगने के बाद में ये डबल हो गई है और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और हम कीमे में शामिल करने के लिए दाल के साथ में जो मसाले लेने वाले हैं वो हमने लिए हैं 12 से 15 रेड चिली है। इसमें हम चिली पाउडर नहीं ऐड करेंगे। और ये हमने लिए गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिए हमने 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, और ये हमने लिए है ब्लैक पेपर, वो हमने 10 से 12 लिए हैं, और 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची। पहले हम ये कीमे को डालेंगे और इसमें हमने जो दाल भिगा के रखे है इसको शामिल करेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, रेड चिली, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला पाउडर। हमने 1 कप दाल लिए थे तो 1 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम कवर करके पकने के लिए रखेंगे। ये साइज़ की हमें 3 प्याज लगेगी, हम इसको फाइन चॉप करेंगे। इसका पानी ड्राई हो गया है और दाल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस ऑफ करेंगे, इसको ढक के रखेंगे, फिर ठंडा होने के बाद इसको हम पीसेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम चॉपर में पीसेंगे। और तेज पत्ते को निकाल के हम फेंक देंगे। इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स किया, आप देख सकते हैं। अब अपने हिसाब से हम इस तरह से लेंगे। आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं और बड़े साइज़ के भी। मैं ये साइज़ के बनाने वाली हूँ। इस तरह से, और मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ। इसके लिए एक के बाद एक इस तरह से हम रखते जाएंगे। दाल और कीमे को पीसने के टाइम में हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किए, और जो हमने दाल और कीमा जो हमने पकाए थे उसको अच्छी तरह से ड्राई करके फिर हमने इसको पीसे। और अभी इसको हमने मिक्स करके इसमें बनाएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और इसको हम फ्रीज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने ये साइज़ के बनाए हैं। अभी ये 15 है और 15 बनेंगे, और अगर आप इससे थोड़ी छोटी साइज़ के बनाते हैं तो 40 कबाब आपके रेडी होंगे। अब इसके ऊपर एक लेयर हम और रखेंगे, इस तरह का हम इस पर प्लास्टिक बिछाएंगे, और इस पर हम दूसरी लेयर रखेंगे। ये पूरे हो गए बनाकर। अभी इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे, जब 4 घंटे हो जाएंगे फिर इसको निकाल के हम एक डब्बे में डालेंगे। ये थोड़े सेट हो गए हैं, हमने 3 घंटे के बाद में इसको फ्रीज़र से निकाले हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हुए हैं। अब इसको हम एक ज़िपलॉक बैग में या तो कोई प्लास्टिक के डब्बे में हम रखेंगे। मैं इसको ज़िपलॉक बैग में रखूंगी। ये इस तरह से, इसके लिए मैंने 3 घंटे पहले फ्रीज़र में रखी हूँ ताकि एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, और इजीली बैग में आप रख सकते हैं इसको इस तरह से। और जब भी आप निकालेंगे तो ये छोटे छोटे ही रहेंगे, लूज़, इसमें चिपकेंगे नहीं। अभी मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। इस तरह हम अंडे में इसको डिप करेंगे और इसको शेलो फ्राई करेंगे। आप बिना इसके अंडे के भी फ्राई कर सकते हैं। ये हो गया रेडी शामी कबाब, हमने फ्राई किए, बहुत ही अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं ये। और एकदम सिंपल है, बस निकालो और इसको अंडे में डिप करके आप फ्राई कर सकते हैं।
और मैंने जो चटनी के क्यूब बना के रखी हूँ वो मैंने दही के अंदर एक इसको ऐड की हूँ, और ये हमारा रायता चटनी भी बनके रेडी है। और इसके साथ में सर्व करने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है, बस झटपट निकालो और फ्राई कर लो। आप इसको 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह से, या आपको एक डब्बे में रखो या ज़िपलॉक बैग में, बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।